घुस जाना, पहले सब्सक्राइब कर देना फटाक से। देखो तेल छोड़ दिया। हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। देखिए आज सुबह सुबह कितना अच्छा नाश्ता बना के दिए खुशबू। यार कचौड़ी है, छोला है, इधर खुशबू है, बुटन है, खा लिया तुम? माँ खाएंगे तब ना देंगे, कहे अब खाइए ना, ठंडा हो रहा है। हम खाना रहे हैं, तुम बताओ ना कहे, बोलो। हाँ दो 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 दो, एक थे तो दी है रे, एक ही थे ना दी है। देखिए गाइस कैसे करती है, देखिए गाइस कैसे करती है। अब पापा बैठे हुए हैं, बता गाड़ी जाम कर दिया है यार, लेकिन सुंदर लग रहा है ना, अब देखेंगे अब जाएगा कहाँ। जी नाला में जाएगा, देखो छूट गया इधर अकेला बंदा। गाइस देखिए मटन कीमा बनाने का आज तैयारी चल रहा है यार, मटन कीमा खाने को मन किया तो सोचा ये है मिर्चा लहसुन और अदरक का सिर्फ पेस्ट, क्वांटिटी में है एकदम, देख लीजिए कितना है, बस इतना है, 1 किलो मटन कीमा का ये सब है। इसमें जीरा और धनिया, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, तेज पत्ता और बड़ी इलायची, ठीक है, सब इसको पूरा एकदम चूर कर लेंगे यार, इतना मात्रा में, बहुत ज़्यादा नहीं है क्योंकि ज़्यादा ज़्यादा करने से मज़ा नहीं आता, फिर स्वाद बिगड़ जाता है। इधर प्याज चॉप कर रही है खुशबू हमारी, गर्मी लग रहा है ना खुशबू, गर्मी बहुत है। हाँ तीता भी लग रहा है, कोई बात नहीं, अब आगे दिखाते हैं। वहाँ लाइट कट जा रहा है तो दिक्कत है कि नहीं है, बताओ है ना, अभी हम कैसे कीमा बनाएंगे, बोलो तुम बोलो। गाइस देखिए लाइट कट जाता है, पूरा अंधेरा हो जाता है, किचन में बना नहीं सकते वो सब, अब यहाँ पे अंधेरा पूरा, अब यहीं पे टॉर्च यहाँ टांगेंगे उसके बाद बनाएंगे, मतलब बताइए दिक्कत है कि नहीं, बोलिए दिक्कत है कि नहीं, है ना। तो देखिए कीमा के लिए कुकर चढ़ा लिया हूँ, कोई कितना भी बोले यार कुकर में ही बनाना, क्योंकि कढ़ाई में बनाओगे सिंझेगा नहीं तो मज़ा नहीं आएगा। ये हमारा कीमा है यार, इसको हम अपने कीमा वाले से बोल के क्या बोलते हैं, इसमें धनिया पत्ता और मस्टर्ड ऑयल यानी सरसों का तेल दोनों ऐड करा दिए हैं, उसके बाद इसको कुटवाए हैं और कलेजी छोटा छोटा 2-3 पीस ला लिए हैं, अब मज़ा आएगा कलेजी से। छौका लिया, छौका छौका इसको कोई बोलते हैं, छौका मतलब तेल डालने के बाद इसको डाला जाता है। इसमें प्याज डाल दिए हैं और हल्का नमक डाले हैं यार ताकि गले, अब इसको ढक देंगे कुछ देर के लिए, और ऐसा नहीं कि ढक के छोड़ देना यार, बहुत कोई वीडियो में बोलते हैं कि ढक के छोड़ देना, छोड़ना नहीं, हरदम खोल खोल कर देखते रहना, चलाते रहना। देखिए हल्का पीलापन हो गया है, ज़्यादा गोल्डन नहीं करना है, अब कीमा को डाल दीजिए। कीमा को भाई अच्छी तरह से एकदम मैश करके पूरा तेल में मिल जाने देना, और हरदम लो मीडियम फ्लेम रखना क्योंकि हाई फ्लेम पे जलने लगेगा जब तक वाइट ना हो जाए। कुछ देर छोड़ के रख दिया तो कैसे मस्त एकदम सब पानी अपना छोड़ दिया है, अब इसमें कुछ देर के बाद लहसुन का पेस्ट ये सब डालेंगे। गाइस देखो ये जितना भी पानी छोड़ा है ना, पहले पानी को सुखा लेना ढक्कन खोल के, उतना देर तक भूंजना, लगभग लगभग इसका सारा पानी सोख चुका है, हल्का फुल्का है तो वो भी सोख जाएगा, लेकिन अब इसमें हम लोग ऐड कर सकते हैं वो जो पेस्ट तैयार किए थे लहसुन अदरक और रेड मिर्च का। जा 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 बेवफा जा, जल्दी जा जल्दी जा जल्दी जा 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 जा, चला गया।
चला गया यार। अब इसको चला के और कुछ देर ढक के, कम से कम 5 मिनट ढक के इसको रख देंगे ताकि सारा स्वाद इसमें चला जाए। इसमें नमक डाल लेंगे स्वाद अनुसार, आप भी डाल लेना यार, अपने स्वाद के अनुसार नमक डाल लेना। गाइस लहसुन पेस्ट भून चुका है, अब इसमें डालेंगे जो गरम मसाला बनाए थे यार। और अब कश्मीरी मिर्च थोड़ा सा, कलर के लिए मज़ा आता है, अच्छा कलर होता है यार। और थोड़ा हल्दी, देखो यार अब लाल मिर्च, आ जाओ इधर दिखाओ, इतना डाल दिया। हाँ तो थोड़ा रेड करने के लिए डालना होगा ना। तब मसाला डल गया, अब इसके बाद मस्त एकदम चला लो थोड़ा, और 5 से 10 मिनट इसको ढक ढक के चलाना है, मतलब देखते रहना है यार, नहीं तो जल जाएगी। ऐसे लो फ्लेम पे ही पकाना। दिखा इधर, मस्त टेक्सचर मस्त है। उधर उधर आए, इधर देखते हैं गाइस क्या हो रहा है। आटा साग है यहाँ, देखते हैं कि बुटना क्या कर रहा है, ये यहाँ बना रहा है, ये बुटन बाबू यहाँ पढ़ाई कर रहा है। इधर दिखाओ क्या कर रहा है, बताओ, दिखाओ क्या पढ़ रहा है। 81 to 90 तक आप क्या कर रहे हैं, आप आयरन कर रहे हैं, लाइन कट गया, अब उधर ही अंधेरा में हो गया, अंधेरा में हो गया। ये देखिए जुलुआ खेल रहा है, गिरा अभी गिर गया था, बच गया, नहीं गिरेगा हम। गाइस देखिए 80% लगभग भाप आ जा रहा है यार, भून चुका है, तेल छोड़ दिया है, रोगन छोड़ दिया है, रोगन। गाइस देखो लमसम तैयार हो गया है, लगभग मसाला भून चुका है पूरी तरह से, दानेदार। कैसा दिख रहा है यार आप लोग कमेंट में बताना, और अच्छा लग रहा हो तो सब्सक्राइब पहले करके जरूर जाना, पहले सब्सक्राइब कर देना फटाक से। देखो तेल छोड़ दिया, ये देखो गाइस ये हो गया भून कर रेडी। अब इसमें चलो डालते हैं पानी। भाई पानी डालने के बाद ढक्कन बंद करके मात्र 2 सीटी से ज़्यादा नहीं, ये पानी बहुत भी ज़्यादा नहीं, हल्का पानी डालना यार, क्योंकि बहुत ज़्यादा पतला नहीं बनता, ये हल्का ठीक ही रहता है। ये देखो ये मज़ेदार, एक बार देख ले। चावल खाएंगे, देखिए ये हो चुका है रेडी मस्त यार, देखो कैसा दिख रहा है। फेसबुक का पापा खा रहे हैं, कैसा लगा पापा, ठीक है? मम्मी नहीं खाती है, मम्मी शाकाहारी है, हम लोग ही सब मांसाहारी हैं। चलो अब खाते हैं यार। आज कैसा लगा हमारा रेसिपी आप बताइएगा कमेंट में, और अच्छा लगा तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन को 10 से दबा दीजिएगा। और खुशबू को हम मारते हैं अभी चराट से, काहे कि काम नहीं करती है।